सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मौज़्ज़म, आपके हुक्म के मुताबिक मेरा फरीजा पूरा हुआ। क्या कर रहे हो ये? बचाओ मुझे! मैं वो काम कर रहा हूँ जिसका मुझे हुक्म दिया गया है। तमाम फौजियों ने अपने हाथों में बंदूकें उठाई हुई हैं। उन सबका एक ही नारा है, और वो ये कि अब्दुल हमीद की मौत। मंसूबे पर अमल दरामद में कोई गलती नहीं होनी चाहिए पाशा। एक तरफ हम रुथस्चाइल्ड को उनके कामों का अक्स दिखाएंगे, और दूसरी तरफ सच्चाई को सामने लाने का आगाज करेंगे। हमें दो वो पैगाम। नहीं दे सकता, मैंने उसे फाड़ दिया था। तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि पैगाम है ही नहीं। सुल्तान मौज़्ज़म, बगावत होने वाली है। वो चाहते हैं कि मखसूस फौजी दस्ता बगावत का हिस्सा बने। तुर्क नौजवान बगावत की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये हम कहाँ हैं? रुबीना की फांसी के इकदामात करो। वो इस बात पर इसरार कर रहा है कि उसे ये करने पर फूफी नहीं कहा था। यकीनन वो झूठ बोल रहा है। मैं अखबार में एक पता शाया करवाऊंगा, और उस पते के शाया होने के बाद वो सब उसी पते पर आ जाएंगे। दूरे को फौरन रुकने का कहो। नादिर साहब, वरना ये मरेगा। नादिर साहब, छोड़ दे नादिर साहब। मुझे एक ऐलान शाया करवाना है, तुम इसे फौरन शाया करोगे? ठीक है जनाब। अहमद पाशा उसी तंजीम को फाल करने गए थे। हमारी तंजीम फाल हो गई है सुल्तान मौसम। एक शनासा चेहरा। हम कहां हैं? हम नहीं जानते। ये जेआर दिलान है। आपने शहर नहीं देखा, आप हमारे जिंदान में जागे हैं। लेकिन एक शहर से एक दरिया गुजरता है जो इस्तरगोन की तरफ जाता है। आप उस सरजमीन पर हैं जिसे हमारे अबाव अजदाद ने फतह किया था। तुम कौन हो? उस्मानी खुफिया तंजीम का एक अदना सिपाही। जब उस्मानी वियाना के दरवाजे पर आए तो उन्होंने इन शहरों को फतह किया, लेकिन वो वक्त के साथ पीछे हट गए थे। क्या ऐसा लगता है कि हम पीछे हट गए? हम उसी जगह है जहां हमने आपको एक बार शिकस्त दी थी। मोहाज यहां से करीब है। हम अपने सुल्तान मौज़्ज़म के अहकामात के साथ एक नया इकदाम करेंगे। अब वो हमारे खिलाफ हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, एक ऐसा हमला जिसमें तुर्क नौजवान बरतानिया की मुआवनत करेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमला कैसे और कहां से होगा। सुल्तान मौज़्ज़म, मुझे खदशा है कि हमारी फौज में बरतानिया के वाली भी उनकी मुआवनत करेंगे। मखसूस फौजी दस्ते वाले मसले से भी यही जाहिर होता है। हमला कहां से और कैसे किया जाएगा ये बात हम बिल्कुल नहीं जानते। यही वजह है कि हमने एक नया इकदाम किया है। चूंकि ये नहीं मालूम कि वो कहां पर हमला करेंगे, इसी तरह उन्हें भी
ये इल्म नहीं होना चाहिए कि हम कहां पर हमला करेंगे। सुल्तान मौजम, हम क्या इकदाम करेंगे? हम अपनी खुफिया तंजीमों के साथ उन सरजमीनों पर हमला करेंगे जिनसे हम पीछे हटे थे। हम वहां पर रुत्शाइल और बर्तानिया के साथियों पर भरपूर हमला करेंगे। किरिम जंग और 93 जंग के नतीजे के तौर पर उन्होंने हमसे बिला जवाज जंगी मुआवजा वसूल किया। वो उस मुआवजे से उन शहरों की तामीर करने वाले थे जिन्हें जंग से नुकसान पहुंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सरमाया रुत्शाइल्ड को दे दिया, और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उससे वाबस्ता 13 इदारों को सरमाया दिया। रुत्शाइल्ड पर इन इदारों की सियासी जिम्मेदारी थी, तो अब हम उनके माली निजाम पर हमला करेंगे। रुत्शाइल्ड और उसके शराकत दारों ने ये रकम उन शहरों से हासिल की जिनसे उस्मानी पीछे हटे थे। उन्होंने वहां बैंक कायम किया, ठीक उसी जगह जहां मस्जिदों और दरसगाहों को तबाह किया गया था। उन्होंने वहां अपने सरमाए के लिए घर बनाए। अब हम उनका सरमाया तबाह कर देंगे। जहां तक हम जानते हैं, आपने तख्त उस्मानिया पर हमला करने की कोशिश की है। इनकार मत कीजिएगा। हम इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम यहां हैं। हम आपको एक पेशकश करते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद की जानिब से। हम सुन रहे हैं। अगर आप हमें ये मालूमात देते हैं कि बगावत कब, कहां और किसके जरिए की जाएगी, और अगर आप बगावत को रोकने में हमारी मदद करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। फिर तुम हमें कत्ल नहीं करोगे। तुम वैसे भी हमें नहीं मार सकते। आप सही कह रहे हैं। आपको मारने से गंदगी बिल्कुल साफ नहीं होगी, तो इसीलिए हम आपको कत्ल नहीं करेंगे। तुम्हारी क्या पेशकश है कमांडर? हमारी पेशकश यह है कि अगर आप हमें मालूमात दे देते हैं तो मशरिकी यूरोप में आपके सरमाए के निजाम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि आप ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया में हमारे सरमाए को हाथ लगाने की ताकत रखते हैं। वेम्बेरी साहब, आपको सियासत का इल्म है। वेम्बेरी साहब, हम आपसे पूछते हैं, ये आदमी जो कुछ कह रहा है क्या ये मुजह का खेज नहीं? क्या उस्मानी उन जमीनों पर इतनी ताकत और गिरफ्त रखते हैं जिनसे वो पीछे हट गए थे? इससे पहले यहाँ उस्मानियों के पास इख्तदार था, लेकिन वो खत्म हो चुका है। जनाब रुत्शाइल्ड सही कह रहे हैं, तुमने यहाँ इस कमरे में हम सबको जमा किया और अब हमसे मजाक कर रहे हो। सुल्तान मुअज्जम ने हमसे कहा था कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे। जैसे आपकी मर्जी, ठीक है फिर तैयार हो जाएं। अब हम सब चलेंगे और आप वहां देखेंगे कि आपका सरमाया कैसे तबाह होगा। चलिए चलते हैं। अब हमने अपनी तंजीम को हुक्म दिया है कि हमारे कारकुन वो अमली इकदाम करेंगे जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब खत्म होगा। वो किस किस्म का इकदाम करेंगे सुल्तान मौसम? वो बैनुल अक्वामी मालियाती तंजीमी इंतजामात को तबाह कर देंगे पाशा। एक ही रात में बैंकों के कर्जों का हिसाब खत्म हो जाएगा। बीमा इदारों के हिसाब किताब भी एक ही रात में मिट जाएंगे। सूद के निजाम की नापाक किताबें जलकर खाकिस्तर हो जाएंगी। जब वो सुबह जागेंगे तो कुछ कंपनियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। एक ऐसा मालियाती निजाम जो आदमी को गुलाम बनाता है, और उसके खत्म होने से पहले वो गुलामी खत्म नहीं होती। हम अल्लाह की रजा से गुलामी का बिल्कुल खात्मा कर देंगे सुल्तान मौसम। इस तरह रुत्शाइल्ड को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, लेकिन वो सिर्फ वही खेल देखेगा जो हमने उसके लिए तरतीब दिया है, और वो हमारे किए गए इकदामात का सिर्फ एक साया होगा। इंशाअल्लाह वो साया ही उसके लिए काफी होगा सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, उस्मानी उकाब इतना बड़ा है कि जिस शाख पर उतरता है वो और ज्यादा सरसब्ज हो जाती है। वो शाख से बीज मिट्टी पे गिराता है, फिर वो बीज वक्त के साथ साथ एक तनावर पौधा बन जाता है, और फिर उस पौधे पर फूल खिलते हैं सुल्तान मौसम। अल्लाह का शुक्र है।
सुल्ताना, आपके आने का इल्म नहीं हुआ। आप तशरीफ रखिए। जल्द सेहत पाए। हमारा यकीन कीजिए, इस हादसे से हम भी बहुत अफसरदा हैं। हमने हिफाजत के इकदाम बढ़ा दिए हैं, हम आपको बताने आए हैं। अफसरदा मत हो सुल्ताना, मैंने हमेशा आपको और इस सल्तनत को अपना दुश्मन समझा। मेरी गद्दारी का इल्म होने के बावजूद भी आपने मेरी हिफाजत की, इसमें कोई शक नहीं। शिवनास खातून, मुहाफिज ने हमले के दौरान कुछ कहा था? क्या उसने बताया कि वो किसके कहने पर हमला कर रहा है? क्या ऐसा कुछ भी है जो आपको याद हो? बिल्कुल सुल्ताना, उसने मुझसे कहा कि वो स्नेहा सुल्तान के हुक्म पर मुझे मारने आया है। लेकिन आप बेफिक्र रहे, मैं हकीकत जानती हूं। मेरा दुश्मन असल में कोई और है, जो चाहता है कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं। कौन? बाबा। मैं कुछ बरसों से सिर्फ अपने बाबा की बात सुन रही हूं। मैंने वो सब कुछ किया जिसका उन्होंने हुक्म दिया मुझे। अगर वो कहते कि तुम मर जाओ तो मैं हमेशा की तरह उनके हुक्म की पैरवी करने से गुरेज न करती, क्योंकि जब आपका खानदान ही आपसे छुटकारा पाना चाहे तो जीने की वजह बाकी नहीं रहती। हम अपने वालिदैन का इंतखाब नहीं कर सकते, लिहाजा खुद पर ज्यादा बोझ मत डालिए। अहम बात यह है कि आपने हकीकत को खुद देख लिया है। आप सच कह रही हैं, मैं हकीकत देख चुकी हूं। रुकिए जरा। ये ले। ये क्या है? खुद पढ़ लीजिए। हम जानते हैं ये शिवनाश की कोई साजिश है, हम पर बहतान लगाने के लिए मंसूबा बनाया है। हम उससे हर चीज की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन वो काफी हद तक बदल गई है, ऐसा ही है ना? तौबा कर ली है। हम उस पर एतमाद नहीं करना चाहते, वो पहले कई दफा हमें धोखा दे चुकी है। बिदार खातून, क्या हुआ, आपने शिवनाश से बात की? जी हमने बात की। उन्होंने हम पर इल्जाम लगाया है ना, यकीनन कहा होगा कि मुहाफिज को हमने भेजा। इसके बरक्स उन्होंने कहा कि आपका कोई कसूर नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सब उनके बाबा का मंसूबा था। रुथस्चाइल्ड अपनी बेटी को मार पाएगा, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उन्होंने रोते हुए सब बताया। क्या वाकई उसे पछतावा है? हम भी उनकी बातों में हर बार इसी तरह आ गए थे। हम गुनाहगार तो नहीं होना चाहते, मगर उस पर एतबार करना मुश्किल है। सिर्फ इतना ही नहीं है, तो वो अपनी तमाम तर दौलत अदिया कर रही है। जी, आप जानती हैं कि हम एक फलाही इदारा तामीर करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम ये उस इदारे की तामीर के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा कल हम जब खाना तकसीम करने जाएंगे तो वो भी हमारे साथ जाना चाहती हैं। जैसे ही उमर आएगा तुम्हें वापस जिंदान भेज दिया जाएगा। मैं इल्तिजा करती हूँ, मुझे दोबारा जिंदान में मत भेजो।
तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। ना तुम कुछ जानती हो और ना ही कुछ कर सकती हो। तुम क्या कर सकती हो हमारे लिए? काम हो गया चाचा, वहां कुछ लोग जानते हैं कि रूबीना भी मरी नहीं। तुम दफ्तर क्यों गए थे? जॉरिस अपने उन आदमियों से तुम्हारे अखबार के जरिए रब्ता करता है। ये तुमसे किसने कहा? जॉरिस ने। झूठ, झूठ बोल रहा है वो। तुम्हारा वक्त जाया कर रहा है। वो वक्त क्यों जाया करेगा? वो बहुत से सिपाही यहाँ लाया है और उसे पूरा यकीन है कि वो बच जाएगा और वो यहाँ हमला करने वाला है। एहतियाती तदाबीर कर ली है हमने। हमारे पास पाया तक की हिफाजत करने के लिए अपनी जाने कुर्बान करने वाले बहादुर मौजूद हैं। वो आ रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। जॉरिस ने हर चीज की मंसूबा बंदी की हुई है। अखबार का ऐलान तुम्हारे साथियों के लिए मौत का परवाना है, ये समझ लो तुम। बस बहुत हुआ, तुम्हारी मौत का परवाना मिल चुका है। बकवास बंद करो, जो करना चाहो कर लो। मुझे माफ कर देना। हम माफ करते हैं। उस्मानियों को आजादी दिलाने वाले हमारे जहाज रास्ते में हैं। वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। मैंने बर्तानवियों से मखसूस फौजी दस्ते में मौजूद अपने सब हिमायतियों के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन उनका कहना है कि वो तमाम सिपाही रूपोश हैं। इनकलाब के लिए किन सिपाहियों को हुक्म देना है हमें ये भी नहीं बताया। ये वो फौजी हैं जो मखसूस जंगों के बाद से रूपोश हैं, इसलिए वो रबते में नहीं हैं। तो उनसे कैसे रबता करेंगे हम? जहाजों के वहां पहुंचने से पहले हमें उन्हें अपने इनकलाब का हिस्सा बनाना होगा। हम ये तक नहीं जानते कि वो कौन है। हुक्म बावर्ची खाने से पहुंच जाएगा। कैसे? हर दस्ते में एक बावर्ची खाना होता है। हर सिपाही वहां खाना खाता है और जनाब बावर्ची खाने में बहुत से बर्तानवी मौजूद हैं। आज रात उन्हें पैगाम मिल जाएगा। सिपाही पैगाम को समझ लेंगे, फिर पैगाम मिलने के बाद महल में होने वाले हमले में वो सब हिस्सा लेंगे। हम बहुत करीब हैं, इंतजामात मुकम्मल कर लीजिए। अब्दुल हमीद और उसके हिमायतियों के इक्तदार छोड़ने के बाद एक नई हुकूमत की बुनियाद रखेंगे हम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी रजा के लिए रोजा रखते हैं। तेरे ही अता करदा रिस्क से इफ्तार करेंगे। तेरी अता करदा नेमतों पर, सेहत और अमन पर शुक्र है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। तो क्या आप कल चश्मे के इफ्तिता के लिए इफ्तार से पहले जाएंगी मलिका? जी हम जा रहे हैं सुल्ताने मौसम। हम इफ्तिताह के मौके पर वहाँ खुद मौजूद होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मजीद ये के हम अपनी मुकद्दस अमानतें देखने के लिए बेताब हैं। हम भी मलिका, हम भी उस दिन के मुंतजर हैं जब हमारे कल्ब और नजर को भी एक नई जिंदगी मिलेगी। आपने शिवनाज की हत्या करने के बारे में सुना है? उन्होंने अपनी तमाम दौलत दे दी है ना? जी हाँ, हमने सुना है शिवनाज खातू अपना ज्यादातर वक्त नमाज और जिक्र में गुजारती हैं। पुप्पी जान ने भी देखा था उन्हें नमाज पढ़ते हुए। हमने भी शिवनाज खातून को तौबा करते और रोते हुए देखा है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि नदामत और नम आंखों के साथ तौबा करनी चाहिए, क्योंकि फूल की कलियां धूप और नम जगह पर खिलती हैं। शायद शिवनाज के दिल में भी फूल खिल जाए।
हमें शिवनाज के बारे में अभी भी काफी शुभात हैं। हम सोचते हैं कि वो दुआ में आखिर क्या मांगती होगी। परेशान मत हो बेटे, हमारा रब लोगों के दिलों के हाल बखूबी जानता है। मैंने सब तैयारी कर ली है। बीदार सुल्तान और महल के दीगर लोग जिस जगह इमदाद तकसीम करेंगे वो जगह जहन्नुम बन जाएगी। मैं नहीं जानता, अलबत्ता बम धमाके के उस मंसूबे के बारे में रुथ चाइल्ड का बेखबर होना मेरे लिए परेशान कुन है। लेकिन उनकी बेटी जानती है ना? चूंकि जनाब रुथ चाइल्ड लापता है, हमें उनकी बेटी के अहकाम की तामील करनी होगी। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अलविदा। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान रुथचाइल्ड की बेटी शिवनाज। मैंने अपने खून के आखिरी कतरे और अपने वालिद के अपने लोगों को दिलवाए जाने वाले मुल्क के हासिल होने तक लड़ने का हल्फ लिया है। मुझे इस हल्फ से मौत ही दस्तबरदार कर सकती है। मैं अब्दुल हमीद के हरम को तबाह कर दूंगी, चाहे मुझे महल में कैद होना पड़े। उस इलाके के गिर्द बम लगा दो जहाँ चश्मे की इफ्तिताही तकरीर और इमदाद तकसीम की जाएगी। जब तमाम शाही खवातीन वहाँ पहुँच जाएं, तो जबरदस्त धमाके होने चाहिए। कोई एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जनाब, मैं इस पूरे मंसूबे की खुसूसी निगरानी करूँगा। कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। महल की तमाम शाही खवातीन, बीदार सुल्तान, सनीहा सुल्तान और नाइमे सुल्तान और जो भी उनके आसपास होगा, यानी बहुत सारे अफराद। हाँ, कुछ भी हो जाए जनाब, इस तरह शाही खवातीन को हम अकेले तो मरने नहीं दे सकते। उनके मुहाफिज, खादमाएं और बहुत कीमती मुसलमानों को उनके साथ दर्दनाक मौत देंगे। कल का दिन अब्दुल हमीद के लिए रोजे कयामत होगा। अब्दुल हमीद के लिए कयामत और हमारे लिए ईद का दिन होगा। हम इस वक्त आपकी बीमा कंपनी के सामने मौजूद हैं। आपके तमाम दस्तावेजात को जला दिया जाएगा और तमाम हिसाब किताब खत्म कर दिया जाएगा। आप बस इतना ही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास हजारों बीमा कंपनियां हैं। जनाब रुथचाइल्ड, अगर ये हादसात मशरक़ यूरोप की दूसरी सड़कों पर भी होते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। या तो हम सुल्तान मौज़म के खिलाफ बगावत के मंसूबे को मनसूख कर देंगे, या तो फिर अपनी सल्तनत को बर्बाद होते देखेंगे आप। तुम्हारे सुल्तान के पास हमारी सल्तनत को खत्म करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। जैसे आपकी मर्जी, अब हम ट्रेन के जरिए जाएंगे। हम जहां जहां जाएंगे वहां आपकी कंपनियां तबाह हो जाएंगी। रुकिए चाचा, मर जाएगा। छोड़ो उमर, छोड़ो मुझे। हमें पहले इसे जगाना होगा। अगर ये मर गया तो हम अपने भाइयों को कैसे बचाएंगे? ये खेल रहा है उमर, ये हमारे साथ खेल रहा है। लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहाँ है वो, बताओ मुझे। तुम्हारे पास वक्त कम है खलील खालिद, मुझे और रुबीना को छोड़ दो, वरना तुम कभी भी अपने आदमियों से नहीं मिलोगे। ना रुबीना को ना ही तुम्हें छोड़ूंगा मैं। कसम खाता हूँ, जब तक तुम्हें मार ना दूं, तुम्हें मुझसे कोई हासिल नहीं कर सकता। उमर, अपने चाचा से कहो
कि कल वो अपने आदमियों से कब्रिस्तान में मिल सकते हैं। चाचा इसे जाने दे, ये हमारे भाइयों की जानों से ज्यादा कीमती नहीं है। बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो? एक सौदा, तुम्हारे लोगों की जिंदगी के बदले हम दोनों की जिंदगी। हमें मंजूर है, बताओ हम क्या करें? तुम नहीं, खलील खालिद ये कहेगा। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। जगह बताओ मुझे, हमें मंजूर है ये? बात हो, लेकिन कल, कल का इंतजार करो खलील खालिद। Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillezi la yazuru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. Haza min indillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. ये कौन सा शोरबा है? जानीसारी का है ये। जानीसारी का शोरबा? क्या मतलब? ये जानीसारी के बर्तन में पकाया जाता है और जानीसारी ने बागी होने से पहले पिया था ये। आप सब मखसूस फौजी दस्ते के मसले से वाकिफ हैं। हम जानते हैं सुल्तान मौजम। अस्करी पेशा दुनिया का बाइज्जत पेशा है। दूसरे पेशों के अपने मकासद होते हैं, लेकिन अस्करी पेशे का अंजाम शहादत जैसा बुलंद है। तुर्क फौज दुनिया की दूसरी फौजों से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इनकी आरजू सिर्फ और सिर्फ शहादत है। सही फरमाया सुल्तान मौजम, इनकी आरजू वाकई शहादत है। ये कामयाब फौज बैरूनी रेशा दवानियों से मुतासर होती है। हमें खबर मिली है कि एक बगावत तरतीब दी जा रही है। हम जानते हैं कि हमारी फौज रियासत और सुल्तान से वफादार है, लेकिन कुछ फौजी मुतासर हुए हैं। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि आप फौज का अंदाजा लगाएं और तमाम छावनियों का दौरा भी करें, मुशाहिदा करें कि फौज में कौन लोग हैं जिनके नजरियात रियासत से मुतसादिम हो रहे हैं। हो सकता है कि वो बगावत की तैयारी कर रहे हों। फौजियों को बताया जाए कि हमें उन पर पूरा भरोसा और एतमाद है, वो रियासत का सरमाया है, यकीनन वो संभल जाएंगे। जुल्फत काल्फा, तकसीम करने का सामान तैयार है? जी सुल्ताना, जल्दी हम उन्हें बगियों में रखवा देंगे। बहुत खूब। अच्छा हाँ जुल्फत, बच्चों के लिए तैयार करदा किताबें और खिलौने रखना मत भूलिएगा। फिक्र मत करें सुल्ताना, सब रखेंगे। नाइमे बेटी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? हम कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं, सर में भी दर्द है। फिर आप मत जाइए, महल में आराम करें। बिल्कुल भी नहीं, इस काम से हमें सुकून मिलता है। वालिदा ठीक कह रही हैं, आप आराम कीजिए महल में। मुकद्दस अमानतों की ज़ियारत से पहले ठीक हो जाएंगे। आप उस मौके को तो नहीं छोड़ना चाहेंगी यकीनन। लेकिन हम चाहते थे कि बच्चों को अपने हाथों से तोहफे तकसीम करें। वहाँ से वापस आने के बाद हम आपको सब कुछ तफसील से बताएंगे, फिक्र मत कीजिए प्यारी बेटी। फिर ठीक है। उठो, जल्दी उठो, हम जा रहे हैं। बेचैन मत हो खलील खालिद, तुम जल्द ही अपने आदमियों से मिल लोगे। मुझसे बात मत करो बदबख्त, समझे तुम? वो आ गए हैं खलील खालिद, तुम जल्द अपने लोगों से मिलोगे। चलो हम जा रहे हैं। वो आ गए हैं चाचा,
इसे यहाँ से दूर ले जाओ। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। क्या बंदूक तैयार है? तैयार है जनाब। वो आ गए चाचा। ठीक है, तुम सब यहाँ से जाओ जल्दी। वो तादाद में बहुत ज्यादा है। जाओ यहाँ से जल्दी जल्दी। चलो जल्दी करो, अपनी जिंदगियां बचाओ। शाबाश। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। चलो। हर तरफ देखो। जोरिस कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मेरे हाथ खोलो और मुझे निकालो यहाँ से। धोखेबाज इंसान। मैं नहीं हूँ। मैंने कहा था तुम्हें कि वो आ रहे हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे आदमी और मेरे पीछे मेरे आदमी। अभी तक कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ है। तुम जानते हो खलील खालिद, तुम्हारे आदमी वक्त की कैद से आजाद हो गए। भतीजे शेर है मेरे, तुम अपने बारे में सोचो। याद रखना, तुमने खुद अपने भतीजों की मौत का फरमान जारी करवाया। तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं और ना ही मेरे भतीजे मरने से खौफजदा होंगे कभी। खवातीन बागीचे में गई हैं। जल्दी वो यहाँ से रवाना हो जाएंगी। बहुत खूब। नायमे सुल्तान कहाँ है? वो नहीं जा सकती, तबीयत खराब है उनकी। उसे मारने के लिए हम कोई और मंसूबा बना लेंगे। वैसे वो अपनी माँ और पप्पो के गम से तो मर ही जाएगी। उनका गम बर्दाश्त नहीं होगा उससे। इस महल में रहने वाली बावकार शाही खवातीन की अब कभी वापसी नहीं होगी। शिवनाज खातून को हमारे साथ जाना चाहिए, ठीक है ना? आपको उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ताकि वो खुद देखें कि उनका अतिया कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जुल्फत कालफा, शिवनाज खातून को कहिए कि वो हमारे साथ जाएंगी। जो आपका हुक्म सुल्ताना। आज वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जमा होने वाले हैं। उन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना? इख्तिताम का मतलब है सबका इख्तिताम। बाज़ औक़ात बड़े शिकार के लिए छोटे जानवरों को कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसा ही है ना? आज वो जगह न सिर्फ शाही खवातीन बल्कि हजारों उस्मानियों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। नायमे, हम तुमसे कहने आ रहे थे कि हम बहुत खुश हैं कि तुम एक अच्छी इंसान बन गई हो। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश थे, इसके बावजूद तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने फिर से हमें धोखा दिया। लेकिन ये आखिरी बार है शिवनाज, मजीद किसी को तकलीफ पहुंचने नहीं दे सकते। हम अभी सबको खबरदार कर देंगे।
ये मर गई है, शहजादी मर गई है। शाही मुहाफिज यही है, हम कभी भी निकल नहीं सकेंगे। ये आपने इनके साथ क्या कर दिया, वो हमें फांसी दे देंगे। क्या तुम खामोश नहीं रह सकती और मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे? रुको मैं कुछ सोचती हूँ। शिवेनाथ का तू सुल्फत है। मैं मसरूफ थी, आप क्यों आई हैं? सुल्ताना इंतजार कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आप भी अतियात की तकसीम के वक्त उनके साथ हों। तो ही बात है, ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ थोड़ी देर में। आप वाकई में उनके साथ जा रही हैं? मैं इनकार नहीं कर सकती थी, धमाका होने से पहले वहां से निकलना होगा मुझे। तुम अपनी तैयारी करो फौरन, वक्त नहीं है। नायमे के उठने से पहले फौरन चली जाओ यहाँ से। अब इंतजार नहीं कर सकता, मुहाफिजों को बुला रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, बस बहुत हो गया अब। सैम देखो, हम जल्द इनकलाब लाने वाले हैं। अगर तुम उन मुहाफिजों को बुलाते हो तो अब्दुल हमीद को मालूम हो जाएगा, और अगर अब्दुल हमीद को मालूम हो गया तो वो हिफाजती इकदामात बढ़ा देगा। तुम्हारा ये कदम रुथचाइल्ड को नहीं बल्कि उसकी जगह अब्दुल हमीद को तहफ्फुज देगा। छोड़ो, फैसला कर चुका हूं मैं। सैम, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं। ये क्या कर रहे हो कारसो? अगर तुम उन खास मुहाफिजों को बुलाते हो तो जनाब रुथचाइल्ड को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनो, शिविनास ने जो मंसूबा बनाया है तुम उस पे अमल करो, और ये मेरा हुक्म है, समझे? मुझे किसी तबीब के पास ले चलो, मेरे कान की हालत ठीक नहीं है। जल्द कुव्वते समात खो दूंगा मैं। फिक्र मत करो, जल्दी जिस्म में किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी तुम्हें। मैं अपने हाथों से तुम्हें दफन करूंगा, जमीन के नीचे तुम्हें कुछ सुनने की जरूरत नहीं होगी। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। हम रोजे से, हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं। ना तबीब के पास लेकर जा रहे हो और ना ही तुम मुझे खाने पीने के लिए कुछ लाकर दे रहे हो। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। इसे इस तरह बांध दो कि ये कोई चलाकी ना करे। तुम्हें सबका हिसाब देना होगा। तुम मुंह बंद करके मेरे खाना लाने का इंतजार करो। वो जोरिस को कहां ले गए? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जब वो बातें करते थे तो तुमने कुछ नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, मुझे जिंदान में रखा गया था। खलील खालिद ने जो अखबार में ऐलान करवाया था वो एक खत्मी हुक्म है। चाहे कुछ भी हो जाए अब हम उससे पीछे नहीं हट सकते। अगर हम उसके आदमी उसे दे दें तो जोरिस हम सबको मार देगा। तो फिर तुम क्या करोगे? उन सब लोगों को मारना होगा मुझे। जल्द हमारे जहाज उस्मानी समंदरी हदूद में दाखिल हो जाएंगे। जब वो जहाजों की तलाशी लेंगे तब फौजियों को देखेंगे तो क्या होगा? वो फौजियों को नहीं बल्कि मुहाजरीन को देखेंगे। कैसे? सब कुछ पहले से तैयार है। बर्तानिया ने लातादात पनागुजीनों को जिला वतन करके उन जहाजों में सवार कर दिया है, और वो जानते हैं कि वो वाहिद बंदरगाह जहां उन्हें पनाह मिल सकती है वो पायतख्त की बंदरगाह है। मतलब अब्दुल हमीद की मौत रहमदिली की वजह से होगी। खुद को दुनिया के सामने अच्छा पेश करने के लिए अब्दुल हमीद जो रहमदिली का नाटक करता है उसे भी हम खत्म कर देंगे।
उस्मानी सिपाही जायजा लेने के लिए आ रहा है। ये सब गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनमें से कुछ बीमार हैं। हम उस्मानी सुल्तान से रहम की दरखास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें समंदर के रहमकर पर मत छोड़े, बच्चों के खाते मरा की भीख मांगते हैं। इस फौज ने कुसोवा के दरवाजे रियासत के लिए खोल दिए। इस फौज ने मुहाज में बिजली की तेज रफ्तारी से सलीबियों को शिकस्त दी। यही वो फौज है जिसने पाए तख्त का मुहासरा किया और हमारे दादा के ख्वाब को हकीकत बना दिया। इसी फौज ने यूनान की सरजमीन पर बहादुरी की कहानियां रकम की। हम आपसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो कहे कि हम गैर मुनसिफ और एक जालिम शख्स हैं? आप इस फौज के आला तरीन कमांडर हैं। जो असलहा आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है वो असल में रियासत का असलहा है। जो फौज आपको दी गई है वो कौम की अमानत है। अगर आपकी हमसे कोई दुश्मनी है तो बता दीजिए हमें, अगर हमने कोई गलती की है तो बताइए हमें। हजरत उमर एक बार खुतबा दे रहे थे, आपने फरमाया कि अगर मैं दुनिया की तरफ झुक जाऊं तो आप क्या करेंगे? एक बहादुर शख्स ने नियाम से तलवार निकालकर कहा कि हम इस खमदार तलवार से आपको राह रास्त पर ले आएंगे। सुल्तान मौसम, आप हमारी फौज के सरबराह हैं, हम अपना सर कुर्बान कर देंगे लेकिन आपको कुछ होने नहीं देंगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, मुहाजरीन से भरे तीन बहरी जहाज पना लेना चाहते हैं। किसने उन्हें जिला वतन किया? बर्तानिया ने। कहां से? मुख्तलिफ इलाकों से सुल्तान मौसम। अच्छी तरह से मुआयना भी कर लिया गया है बहरी जहाजों का, उन लोगों ने पनाह की दरखास्त की है। आपका क्या हुक्म है? हम किसी मजलूम को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। जब वो पाए तख्त पहुँचेंगे तो हमारी फौज खुशामदीद कहेगी उन्हें, एक एक करके उनका जायजा लिया जाएगा। जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो महाजिर हैं, उस वक्त तक उनमें से एक को भी पाए तख्त में दाखिल होने ना दिया जाए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। शुरू करो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। इन सबको ताबूत में डाल दो। उस्मान, ततार साहब, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उस्मान, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। आसिफ, छोड़ो मुझे, हटो। नादिर साहब, नादिर साहब, नादिर साहब, इसे भी डालो। छोड़ो मुझे, बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मिट्टी डालो। खुदा इन्हें कभी नहीं बख्शेगा। तातार साहब, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो हमें। खामोश रहो उस्मान। उन्होंने आपके भतीजों को जिंदा दफना दिया चाचा। कल मैं शहादत पढ़ लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह पाक माफ कर देना मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व देखता हूं जनाब। ये लीजिए।
उन्होंने आपके आदमियों को जिंदा दफन कर दिया है। अगर आपने जल्दी ना की तो वो सब मर जाएंगे। मैं जोरिस को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। उसे मेरी मदद के सिले में छोड़ दे। जो पता मैंने लिखा है इस पर जल्दी पहुंचे। मैं तुम्हें बिल्कुल तबाह कर दूंगा जोरिस। क्या नाइमे सुल्तान मौजूद है अंदर? जी शहजादे, नाइमे सुल्तान अभी तक अंदर ही हैं। नाइमे, 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 तबीबा को बुलाइए। नाइमे, नाइमे होश में आइए, फौरन जाइए और तबीबा को बुलाइए फौरन। नाइमे, नाइमे होश में आइए, नाइमे, 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 किसने किया ये बताइए हमें। शिवनास, शिवनास ने किया है। वालिदा को, वो सबको, सबको मार देगी, सबको मार देगी। जल्दी जाएं, बचा ले। आ जाइए। बहुत लोग आए हैं यहाँ पर। जी, हमारे लोग बिदार सुल्तान को देखने का मौका खोना नहीं चाहते। खुश रहिए सुल्तान। शुक्रिया, अल्लाह आप सबका भी भला करे। इंशाल्लाह हम इसी तरह आपकी खिदमत करते रहेंगे। हम जल्द ही एक समाजी फलाही इदारा भी कायम करना चाहते हैं। यहाँ पे हम एक मदरसा, दर्सगाह, हस्पताल, मस्जिद और एक चश्मा भी बनवाएंगे। हम रमजान में सहर व इफ्तार का कुछ सामान और आपके बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी लाए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। हम अपने बच्चों के लिए किताबें और बहुत से खिलौने लाए हैं। वो इनको पढ़कर और खेलकर लुत्फंदोज होंगे इंशाल्लाह। आमीन। मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं बैठ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? उस तरह सीढ़ियां हैं, आप वहां बैठ जाएं। ठीक है, आप यहीं ठहरे रहें। सुल्ताना यहाँ अकेली है, उनकी हिफाजत कीजिए। फलाही इदारे का काम जल्द शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। शिवनास खातून, बराहे मेहरबानी हमारे पास आइए। शिवनास खातून ने भी समाजी और फलाही इदारे की तामीर के लिए नहायत फराख दिली से मदद की है। कोचमैन, तेज चलाओ।
तुम्हारी सुल्ताना मेरे साथ जाएगी। दूर रहो, कोई भी करीब ना आए।